भाजपा के प्रदेश सचिव एवं नगर सेवक एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने फिर एक बार ठाकरे सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा के प्रदेश सचिव एवं नगर सेवक एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने एक बार फिर महाविकास आघाड़ी को आड़े हाथों लिया है। मेश्राम का कहना है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जमाती की समस्या निवारण के लिए राज्य संगठन अनुसार नियुक्ति के लिए 1.5 साल लगा दिया, जिस कारण समाज की समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। मेश्राम ने ठाकरे सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति जमाती को फंसाया है। आज 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस आहे। या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांनी देखील संविधान सन्मान दिवस फार पहिल्यांदा घोषित केलेला आहे। मी त्यांचे धन्यवाद देताना आणि आभार मानताना मागच्या 2 वर्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये या राज्यातल्या 20%पेक्षाही अधिक असलेल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येवर समाजावर या महाविकास आघाडी सरकारनं सातत्यानं अन्याय केलेला आहे। त्या आमच्या दलित शोषित उपेक्षित मागास महिला असतील, त्यांच्या बलात्काराची प्रकरणं असतील, त्यांच्या हत्या असतील, या राज्यातल्या ॲट्रॉसिटीज असतील, या सर्व प्रकरणानं किंवा शिष्यवृत्तीमध्ये झालेला मोठ्या प्रमाणावरचा घोळ आणि घोटाळा असेल। काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में नागपुर में चुनाव में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसके चलते भाजपा से ये खबर सामने आ रही है कि भाजपा के नगर सेवक नाराज हैं, मगर इस बात का खंडन धर्मपाल मेश्राम ने किया है। निश्चितपणे कोणी ही नगर सेवक नाराज नहीं आणि ही योग्य वेळ आहे। जी काही पॉलिटिकल इलेक्शन जी काही स्ट्रॅटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ने इलेक्शन कडे पाहिलं जातं, त्याच पद्धतीने इलेक्शन लढावं लागतं आणि तीच एकमेव निवडणूक लढण्याची पद्धत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।